नेशनल वेदर सर्विस डॉपलर रडार जमीन पर एक बवंडर को ट्रैक कर रहा है। अगर मुमकिन हो तो अभी के अभी बेसमेंट में छुप जाएं और निश्चित करें कि खिड़कियों से दूर रहें। लो, बच गई बैंड। बवंडर हमें मारने वाला है। बिल्कुल अभी साउथ ईस्ट से एक बवंडर हमारी तरफ आ रहा है। बारिश हमारे चारों तरफ हो रही है। बवंडर हमें जरा भी दिखाई नहीं दे रहा। बहुत जल्द सूरज ढलने वाला है तो ये बवंडर ना सिर्फ बारिश की आड़ में आ रहा है बल्कि रात को हम पर हमला भी करेगा और ये सिचुएशन काफी खतरनाक है। हमें बहुत ही संभल कर रहना होगा। ओ! वो रहा वहां, एक फनल बन रही है और ये वापस सड़क की तरफ आ रहा है। बच गई बैंड। हम एकदम इसके रास्ते में हैं। बवंडर का घुमाव हमारी गाड़ी के ठीक ऊपर है। मुझे लगता है हम बवंडर के अंदर हैं। कंकड़ हमारी गाड़ी पर गिर रहे हैं। जोर जोर से पत्थर पड़ रहे हैं। लोग, हमारी वैन पलटने वाली है दोस्तों। क्या लगता है रीड? वो सब कुछ लेकर बढ़ता जा रहा है। सब कुछ उसी दिशा में जा रहा है। और अब तो ये बहुत तेजी से आ रहा है। हाँ, ये तूफान तेज होता जा रहा है। हवाओं की रफ्तार भी बढ़ने लगी है और यही हवाएं गल्फ ऑफ मेक्सिको से उत्तर की तरफ नमी लाती हैं, जिसके कारण ये इतने तेज तूफान आ पाते हैं। 1 से 10 की स्केल पर तुम्हारा मन क्या कहता है, हम तूफान देख पाएंगे? कितनी संभावना है? 7। 7? 7.5। ठीक है, देखते हैं। संभावना बढ़ रही है? हाँ, हर मिनट बढ़ती जा रही है। संभावना है कि ये साल का सबसे बड़ा बवंडर हो सकता है। हमें ये प्रॉप लगाना होगा रीड। ठीक है, मुझे लगता है कि आज हम इसे बवंडर में लगा पाएंगे। डेटा लॉगर सेट हो चुका है, अब बस इसे लगाकर इंस्टॉल करना है। ठीक है, तैयार हो? इस प्रोब को सीधे तूफान के रास्ते में लगाकर हमें बहुत एक्यूरेट डेटा मिल सकता है जो बाकियों को ना मिल पाए। हर एक डेटा बड़े काम का है जो इन बदलते वेदर पैटर्न्स को समझने में साइंटिफिक कम्युनिटी की मदद कर सके। ठीक है, ये तो हो गया। अरे, अब बेस की तरफ देखो। तुम तैयार हो? मैं तैयार हूं। तो चलो। यस। मुझे स्टॉर्म चेजिंग से बहुत प्यार है। मैं उस समय से लगातार स्टॉर्म चेजिंग कर रहा हूँ जब से 16 साल की उम्र से मुझे मेरा ड्राइविंग लाइसेंस मिला है। और अब मैंने अपनी जिंदगी इसको दे दी है। स्क्वीज। मैंने शादी नहीं की, मेरे बच्चे नहीं हैं। हम एक बवंडर को इंटरसेप्ट करने वाले हैं। मेरे पास सिर्फ 4 अंडरवेयर हैं। मैं केवल एक काम करता हूँ, स्टॉर्म चीज। यहाँ गौर से देखो, अब ये आंधी 225 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रही है। भयानक मौसम और तूफानों से मेरा लव अफेयर है और मैं इस मौसम को समझने के अलावा कोई और काम नहीं करना चाहता। प्रकृति के एक से बढ़ के एक भयानक चेहरे। ऑलराइट माइक, अब थोड़ा नॉर्थ की तरफ चलें। बिल्कुल, चलते हैं। और ये हम चले, कसकर पकड़ लेना, आराम से। ये तुम्हारा गेम से पहले वाला वार्म अप है ना? बस थोड़ी एनर्जी रिलीज कर रहा हूँ, और कुछ नहीं। गल्फ में जो समुद्री तूफान आ रहा है ये बड़ा लगता है, पूरे गल्फ ऑफ मेक्सिको पर छा गया है।
ओह, देखकर यकीन ही नहीं होता। इतनी जल्दी? अभी तो जून शुरू हुआ है, 50 साल में ऐसा तूफान आता है? हरिकेन का मौसम टोर्नेडो के मौसम में आने लगा है, और टोर्नेडो का हरिकेन में। हाँ। और ये खतरनाक होने वाला है, क्योंकि उस तूफान के कारण बहुत सारी गर्म हवाएं और नमी भी देश में आएगी। मुझे लगता है उससे दर्जनों भर बवंडर आएंगे। देखते हैं हम इसके ईस्ट में जा पा रहे हैं या नहीं। ये क्या था, बिजली गिरी क्या? माइक थाइस और मैं 20 साल से दोस्त हैं। वो इस ग्रह के सबसे मशहूर हरिकेन चेजर्स में से एक है। ये तो हर मिनट बड़ा हो रहा है। माइक ने दुनिया की सबसे खतरनाक जगहों पर तूफान का पीछा किया है। हमें पीछे हटना होगा। हमारी टीम शानदार है, हम एक दूसरे का ध्यान रखते हैं, लेकिन माइक में सबसे अच्छी बात मुझे उसके बाल लगते हैं। ये लो, सीधे इसके अंदर से निकल रहे हैं। दाईं ओर देखो, एक बार उधर तो देखो। ये तो सच में भयंकर लग रहा है। बहुत बड़ा शेल्फ क्लाउड हमारी तरफ आ रहा है, और हमें लगता है कि वो तूफान बहुत ही बड़ा होने वाला है। आप देख सकते हैं कि हम टोर्नेडो रिस्क एरिया के बीचों बीच हैं। लो, आ रहा है। हाँ, काफी तेजी से आ रहा है। वाह, ऐसा कुछ मैंने पहले कभी नहीं देखा है। ये बहुत ही रेयर डरेचो तूफान है। डरेचोज होते हैं बहुत तेज आंधी तूफानों का झुंड, जो हरिकेन फोर्स विंड्स, भारी बारिश और बवंडर भी पैदा कर सकते हैं। बवंडर की चेतावनी अभी अभी आई है, और लिखा है कि आराम से 145 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार तक पहुंच सकता है, और ये हमारी तरफ 110 या 130 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से बढ़ रहा है। तो ये काफी तेज है। जितना तेज कोई तूफान हो सकता है, ये उतना तेज है। ठीक है, पंछी को उड़ाने का समय आ गया है। हमें जल्दी करनी होगी, ये बहुत तेजी से आ रहा है। हाँ, अब इसके दोनों तरफ दिखाई दे रहा है, परफेक्ट एज। वाओ, एक शेल्फ क्लाउड ठीक हमारी तरफ ही बढ़ रहा है। इसके अंदर कई सारी आंधियां हैं। ड्रोन को जल्दी उड़ाओ। अरे वाह, असल में ड्रोन बहुत ही काम का टूल है। जब भी तूफान हमारी तरफ आता है, हम ड्रोन को उड़ा देते हैं और फिर ढूंढते हैं कि बवंडर ठीक किस जगह पर छूने वाला है। ये बहुत ही सुंदर है। ये हर मिनट और बेहतर होता जा रहा है। ओह, ये क्या मुसीबत है, मुझे यकीन नहीं हो रहा। देख रहा हूँ कैसे ठीक हमारे सामने झुक रहा है। अरे मजा आ गया। देखो, हमारे ठीक ऊपर बाज है। जरा देखो ये पक्षी आसमान में हवा में कितनी गर्व से उड़ रहे हैं। ये चीज बड़ी होती जा रही है। इन पक्षियों को 145 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार की आंधी का सामना करना होगा। देखो वहां एक बल पड़ा है, वहीं पर बवंडर आने वाला है, और इसे इंटरसेप्ट करने के लिए हमारे पास एकदम सही सड़क है। हमें उसके पास पहुंचना होगा। माइक इंस्टॉल करने के लिए तैयार हो जाओ। ठीक है, चलते हैं। हमें ड्रोन को नीचे लाना होगा। उसे नीचे लाओ जल्दी से, पर ये है कहां? मैं उसे वापस नहीं ला पा रहा, लगता है फट जाएगा। इसने ड्रोन को वापस लाने की कोशिश की, लेकिन आंधी उसे उड़ा ले गई। तुम्हें दिख रहा है? वो वहां पर है, वो हवाओं से जूझता हुआ अभी वापस आ रहा है। हमें ड्रोन वापस मिल गया। देखो, ग्राउंड सर्कुलेशन, कितनी सारी धूल है, और मुझे लगता है कि उसके नीचे भी धूल है। पॉसिबिलिटी है कि ऊपर बवंडर है। चलो चलते हैं, ये आ रहा है। चलो अब चलें। चलो धूम मचा दें। पकड़ कर बैठना, हम सबसे तेज जा रहे हैं। तुम और तेज चला सकते हो?
ये 120 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से आ रहा है और कोई सड़क नहीं है और ये बहुत ही तेजी से आ रहा है। ये तो छूट गया। बवंडर का पीछा करना सबसे मुश्किल होता है। करीब 20 बवंडरों में से हम किसी एक को इंटरसेप्ट कर पाते हैं और ये बहुत अच्छे आंकड़े नहीं है। डेटा के लिए हमें कोहलू का बैल बनना पड़ता है। वैसे यह अनुभव काफी सुंदर और मजेदार था। खुश हूं कि तुम्हारे साथ ये शेयर कर पाया, लेकिन हम इस प्रोब को बवंडर में लगाने आए हैं। हाँ, समझ रहा हूं। माइक और मैंने तूफानों का पीछा करते हुए हजारों किलोमीटर तय किए हैं। हम साल भर पीछा करते हैं और इसका कारण है कि क्लाइमेट गर्म हो रहा है और मौसम की फोरकास्ट अब बिल्कुल अलग होती है। दुनिया भर में समंदरों की सतह का तापमान बढ़ रहा है। हम ताकतवर और तबाही मचाने वाले तूफान देख रहे हैं जिनका पूर्वानुमान बहुत मुश्किल है। चीजें इतनी जल्दी बदल रही हैं, इसलिए हम हर संभव तूफान का पीछा करना चाहते हैं और जानकारी लेना चाहते हैं। बचे हुए ट्रॉपिकल तूफान क्रिस्टोबाल के कारण आज सुबह से खाड़ी के तट पर भारी बारिश हो रही है। ये तूफान न्यू ऑरलींस के दक्षिण में जाकर टकराया और वेवलैंड मिसिसिपी जैसी कोस्टल कम्युनिटी को भारी नुकसान सहना पड़ा और अब ये मिसिसिपी रिवर वैली की तरफ बढ़ रहा है, जिससे बवंडरों के आने की संभावना है। बहुत लंबी रात थी। वैन के अंदर हर रात लंबी लगती है और तूफान के सीजन में मैं बस यही चाहता हूँ, वैन में एक और आदमी के साथ सोना। लगता है माइक उठ चुका है, शायद अपना फाउंडेशन ब्रेकफास्ट खरीदने गया है जो वो हर रोज खाता है। शायद माइक ने कॉफी भी बनाई है। सड़क पर रहना बिल्कुल भी आसान नहीं है। ज्यादा नींद नहीं आती, हमें पेट्रोल पंप से खाना खरीदना पड़ता है, जगह रहने के लिए बहुत सारा कैफीन पीना पड़ता है। मजा आ गया। मुश्किल होती है, लेकिन इन तूफानों का पीछा भी तो करना है। हमें अपने साइंस मिशन को आगे बढ़ाना है और यही है, यही हमारा घर है। लो आ गया, नाश्ता कर लो। ये लो, ये तुम्हारे लिए है। अरे ये तो अच्छा है। हाँ, बहुत ही अच्छा है। मैं हर रोज 4 अंडे खाने की कोशिश करता हूँ। फरारे इंजन को बिना तेल के तो नहीं चला सकते, तो ये मेरे लिए इंजन का तेल है। तुम लकी चार्म्स लाए हो सही में? मुझे चाहिए थोड़ा लक और थोड़ी सी पावर। तुम खाओगे? नो थैंक्स। ठीक है। इस मौसम में आज बवंडर आने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है। क्रिस्टोबल के उत्तर की तरफ जाने की वजह से ऐसी आंधी आ रही है जिससे बवंडर बनने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। हम अगर आज बवंडर में अपना प्रोब नहीं लगा पाए तो पक्का हम में कुछ गड़बड़ है। चलो थोड़ी देर यहां देखते हैं। ठीक है। अरे वाह। हाँ, अच्छा देख रहा है। हमें ऐसा ही तूफान चाहिए। पूरी संभावना है कि यह बवंडर बन सकता है। इसमें काफी घुमाव है। इस पूरे इलाके में अभी जो आंधी तूफान आ रहा है, वातावरण में बदलाव हो रहा है और हवा की रफ्तार के कारण कुछ में घुमाव बनना शुरू हो जाता है। घुमाव वाले तूफान को सुपर सेल कहते हैं। ये वातावरण से काफी गर्म हवा और नमी सोख लेता है, उसे इनफ्लो कहते हैं। जैसे जैसे गर्म हवा तूफान में भरती जाती है, वो ऊपर जाकर ठंडी हवा से टकराती है, जिससे तूफान और तेजी से घूमता है। और जहां भी ये सारी चीजें मौजूद होंगी, वहीं बवंडर आता है। इसमें तो अभी से ही मोशन काफी ज्यादा है। हाँ, ये पूरा इलाका काफी दिलचस्प दिख रहा है। देखो बेस कितना गहरा हो गया है। हाँ। कमाल है, ये काफी तेजी से बन रहा है। लो माइक,
ओहो, हाँ वो फनल क्लाउड है। हमारे सिर के ठीक ऊपर एक फनल क्लाउड बन रहा है। ये बड़ा हो रहा है, इसमें रफ्तार है। वो आ गया, बवंडर आ गया। जल्दी से निकलते हैं यहाँ से। हाँ ये अच्छे से घूम रहा है। हम फिर से मेन रोड पर जा रहे हैं। अगर हम इस घुमाव के सामने आ पाए तो हम अपना प्रोब जमीन पर लगा सकते हैं। ये बवंडर की चेतावनी है। ये वाकई इंटेंस होता जा रहा है, बहुत है ना? जरा देखो तो क्या कोई मजाक है? बवंडर अब बड़ा हो रहा है। वाह कितना सुंदर है। हाँ। अरे बाप रे। लोग बच। ये हमारी गाड़ी के सामने से निकलेंगे। हट जाओ रास्ते से। अगर बवंडर को पकड़ नहीं पाए तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। वो खेत की तरफ जा रहा है। हम उसे पकड़ नहीं पाएंगे। इस समय मेरे अंदर जोश भर चुका है। वो एक छोटा सा नूडल फनल था, खूबसूरत बवंडर था। पूरी प्रोसेस हमारे सिर के ऊपर हुई लेकिन हम इंटरसेप्ट नहीं कर पाए। यार जब बवंडर आता है तो इतना ही तेज आता है। भले ही हम उसमें जा नहीं पाए लेकिन बवंडर को देखना वाकई अच्छा होता है। कम से कम हम यहीं पर थे। सामने देखो और भी जानवर आ गए। शायद ये वाली टिकी रहे। ओ, वो दूध पी रहा है। क्या सच में? हाँ। अरे थोड़ी देर रुक ही जाते हैं। ये पल एकदम खास है। अब मुझे थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग तो लग रहा है लेकिन मैं गाड़ी से बाहर निकल कर उसे भगाने वाला बिल्कुल नहीं हूँ। ओके चलो ठीक है। चलो हो गया जाओ। इनका हो गया, चलो हमें मौका मिल गया। मुझे नहीं लगता कि आज यहां पर और कोई बवंडर बनेगा। अटलांटिक के रिकॉर्ड में क्रिस्टोबॉल तीसरा तूफान है जो तूफान के मौसम के शुरू होने के 2 दिनों के अंदर आ गया है। क्रिस्टोबॉल आज सुबह कम होकर ट्रॉपिकल डिप्रेशन में चला गया है। ये मौसम जो बवंडर के मौसम में बदल रहा है, क्रिस्टोबॉल उसका बस एक अजीब हिस्सा है। हर दिन लगातार पीछा करना मुश्किल होता है लेकिन हम हार नहीं मान सकते क्योंकि किसी दिन उठकर हमने सोचा कि आज सिचुएशन सही नहीं लग रही है या हम थके हुए हैं और वापस सो गए। क्या पता उसी दिन कुछ बड़ा हो जाए, उसी दिन हमारे हाथ से सबसे कमाल का सबसे खूबसूरत बवंडर निकल जाए, ऐसे वाला जिसके अंदर प्रोब इंस्टॉल करना और उसमें से डेटा निकालना सबसे सही होता। इसलिए हर दिन सुबह जागना पड़ता है और हर उस तूफान का पीछा करना पड़ता है जिसमें पोटेंशियल हो, क्योंकि क्या पता कौन सा दिन आपके लिए सही बन जाए। आज का पूर्वानुमान थोड़ा मुश्किल है। रडार पर 2 बड़े सुपरसेल तूफान नजर आ रहे हैं। इन दोनों के बीच की दूरी इतनी है कि हम दोनों का एक साथ पीछा नहीं कर सकते लेकिन लगता है कि दोनों में बवंडर बनने की संभावना बराबर है। सही कह रहे हो, हम अलग अलग जा सकते हैं। मैं सदर्न टारगेट का पीछा करूंगा और तुम नॉर्दर्न टारगेट का पीछा करना। सही है, ये जो पैटर्न है यही सबसे ज्यादा अच्छा होगा। संभावनाएं भी बढ़ सकती हैं। मेरे पास प्रोब है और अगर तुम्हें बवंडर मिले तो तुम थाइस डिवाइस को इंस्टॉल कर देना। हाँ ये सही रहेगा। तो चलो शुरू करते हैं। गुड लक मेरे दोस्त। गुड लक दोस्त, संभल कर जाना। ये रहा थाइस डिवाइस, इसे कैटरीना तूफान में लगाया गया था।
ये गोप्रो के आने से पहले की बात है, तो उसके अंदर बहुत बड़ा कैमरा था। इससे हमें बैरोमेट्रिक प्रेशर रीडिंग भी मिल जाती है। अब हमें बस बवंडर के सामने जाना होगा। बवंडरों का पीछा करने के लिए डेडिकेटेड होना पड़ता है और कई कई हफ्तों तक सड़क पर रहना पड़ता है। ये तूफान का पीछा करने से अलग है और तूफान आने पर आप सही जगह खड़े होकर उसे कवर कर सकते हैं। मैंने अपने 20s और 30s में एक भी तूफान नहीं छोड़ा था। मुझे सड़क पर रहने में बहुत मजा आता था, लेकिन अब मैं बूढ़ा हो रहा हूँ। आज सुबह मैं उठा और बिस्तर से बाहर नहीं आ पा रहा था, तो कभी ना कभी तो खुद को रोकना पड़ता है। लेकिन रीड अलग है, वो अब भी हर तूफान का पीछा कर सकता है। माइक और मेरा तरीका बहुत ही अलग है। मेरी माँ कहती है कि मैं जन्म से ही ऐसा हूँ। मैं बहुत एक्साइटेड हो जाता हूँ, जरूरत से ज्यादा जोश में आ जाता हूँ। मेरी अपनी कोई जिंदगी नहीं है, केवल तूफानों का पीछा करना ही मेरा जुनून है। हाँ, लेकिन माइक थोड़ा धीमा हो गया है। उसका परिवार है, उसका एक बच्चा होने वाला है। तूफानों का पीछा करने का उसका तरीका ज्यादा आरामदेह है। जब हम टीम बनाते हैं, हम दोनों के तरीकों को साथ लाते हैं और एक शानदार टीम बनती है। रीड और मैं साइंस को लेकर जो कर सकते हैं उसे लेकर मैं काफी उत्सुक हूं। हम जिस भी तरह का डेटा इकट्ठा कर पाएं वो मददगार ही होगा। हमारा तूफान इंटेंस हो रहा है। ये तूफान किसी वैक्यूम क्लीनर जैसा लग रहा है। इसके अंदर का इनफ्लो बहुत ही कमाल का है। ये और ज्यादा गर्म हवा और नमी को सोख रहा है, इसलिए हम इसके नीचे धूल के घुमाव को ध्यान से देख रहे हैं, जो बढ़कर ऊपर बादल की निचली सतह तक जा सकता है। जैसे जैसे इन तूफानों में और नमी भरती है, ये और ज्यादा ताकतवर बवंडर बना सकते हैं। चलो प्रोब लगाते हैं। हमारी योजना है कि इनको इंटरसेप्ट करने की कोशिश करेंगे और फनल के अंदर हवा की रफ्तार और दिशा और दबाव को मापेंगे। अगर ये बवंडर नीचे आए तो हम तैयार रहेंगे। चलो कुछ धमाकेदार करते हैं। ये घूमने लगा है, एक बड़ा सुपरसेल तूफान बन गया है। हमारे तूफान पर बवंडर की चेतावनी आ गई है। वो धूल दिख रही है, जमीन पर धूल का घुमाव। इसका मतलब है कि इसके ऊपर बवंडर का चक्कर बनने की कोशिश कर रहा है। वहां पर एक और बड़ा घुमाव दिख रहा है, ये बनाता ही जा रहा है। वहां पर बहुत बड़ा फनल है, वहां पर देखो वो सफेद चीज जो भयानक तरीके से घूम रही है, वो एक बवंडर है जो जमीन से जुड़ने की कोशिश कर रहा है। वो धूल ऊपर उठ रही है। वहां उधर मैदान में एक बवंडर है, हम वहां जाकर उसे इंटरसेप्ट करेंगे। घुमाव का जो आकार है वो बढ़ता ही जा रहा है, तो मैं सोच रहा हूं कि मैं इसके सामने जाऊं और फिर इसके अंदर जाने की कोशिश करूंगा। हमारा प्रोब एकदम तैयार बैठा है। हम इस बवंडर के रास्ते में इस प्रोब को जमीन पर लगा देंगे। कसकर पकड़ना, कसकर। हम इसे पकड़ लेंगे। पकड़ते हैं इसे। वो फिर से बादलों में उड़ रहा है। इतना ही था।
हम इस चीज को आसानी से इंटरसेप्ट कर सकते थे यार। वाह, जरा वहां देखो। देखो वो कितना नीचे आ गया है। ठीक है, मुझे एक गाड़ी रोकनी होगी। बहुत ही खूबसूरत तूफान है। वाह, मैं कैमरा लेकर आता हूं। एक फोटोग्राफर होने के नाते मैं दूर से पूरे तूफान की बनावट देखना चाहता हूं। आप तूफान का पूरा घुमाव देख पाते हैं, उस सुपर सेल के अंदर जाता हुआ इनफ्लो देख पाते हैं। ये तूफान का ईंधन है। सुपर सेल में वो धारियां दिखाई दे रही हैं, ये झुकाव दिखाती हैं और दिखाती हैं कि सुपर सेल बहुत ही ज्यादा तेजी से घूम रहा है। वाह, जरा उधर देखो। रीड को इसके अंदर जाना पसंद है और उसके सिर के ऊपर बवंडर बने तो उसे बहुत अच्छा लगता है। अगर आप बहुत ज्यादा पास होते हैं तो बहुत सारी चीजें छूट जाती हैं। यहाँ पर तो बिजली कड़क रही है। नजारा है यहाँ तो, कमाल ही हो गया। बिजली एकदम यहाँ गिरी है। मैंने आवाज सुनी तो मुझे पता चल गया कि बिजली गिरने वाली है और अचानक से बिजली गिर गई। मुझे सांस तो लेने दो। अभी हम सदर्न टेक्सस पैनहैंडल से होते हुए दक्षिण की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर बवंडर बनने का सारा सामान है जिसमें अस्थिरता शामिल है। इन तूफानों के लिए बहुत सारी गर्म हवा और नमी यहाँ मौजूद है। शायद वही हमारा तूफान है। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर एक इनफ्लो बैंड जा रहा है और मुझे ये लगता है कि इसके अंदर डोमिनेंट सुपर सेल बनने की पूरी पूरी संभावना है। थोड़ा और अच्छी जगह से देखते हैं। बहुत ही बढ़िया सुपर सेल है। देखिए कैसे सब कुछ इसके अंदर जा रहा है और इसके ऊपर एक बहुत अच्छा घुमाव दिख रहा है। वहां बहुत सारी नमी है। पीछे की तरफ गर्म हवा का मतलब है कि ये तूफान इनफ्लो को अंदर खींच रहा है। वाह, ठीक वहां पर बीच में वहां एक बवंडर बनने की कोशिश कर रहा है। देखो जरा, उसे वहीं पर बनना चाहिए। यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा बवंडर आने वाला है। इस चीज को बड़ा और हाथी की सूंड जैसा होते हुए देखिए। ये आ गया, जमीन पर एक बड़ा बवंडर आ गया है। चलो इसे पकड़े। ऑलराइट, इसे पकड़ते हैं। हम थोड़ा उत्तर की तरफ जाकर इस बवंडर के रास्ते में आ जाएंगे, लेकिन इसका पीछा करना एक बड़ी चुनौती होगी। यहाँ बारिश इतनी तेज है कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा। केवल बारिश में गाड़ी चल रही है। ये किसी ट्रॉपिकल तूफान का पीछा करने जैसा है। अरे ये आ गया, ये ठीक हमारे सामने है। देखो वो रहा, बारिश में पड़ा बवंडर। हमें इसे इंस्टॉल करना होगा। धत, हम इसके बगल से नहीं जा सकते हैं ना। केवल ऑयल फील्ड की गाड़ियां।
हम आगे नहीं बढ़ सकते, लेकिन एक बड़ा बवंडर पास ही है जो बारिश में फंसा हुआ है। चलो, ये दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि इसके चारों तरफ बारिश हो रही है। हम इस बवंडर को इंटरसेप्ट करेंगे। कार में बैठो जल्दी। देखते हैं किधर जा सकते हैं, शायद हमें इसके एकदम बीच में जाना होगा। बड़े बड़े झटके लगने वाले हैं, बड़े ओले पड़ रहे हैं, काफी बड़े। हमें वापस उत्तर की तरफ भागना होगा ताकि इसके साथ चल सकें, लेकिन हम पर बर्फ के गोले गिर रहे हैं, बहुत ही बड़े बड़े बर्फ के गोले। वो ये तो बहुत ही बड़े हैं और काफी सारे। वो वो कहाँ है? लो, बच गई बैंड। मुझे लगता है कि वो बवंडर हमारे साउथ ईस्ट में खत्म हो गया। बस एक पल पहले वो पागलों के जैसे घूम रहा था और अब लगता है कि खत्म हो रहा है। सफलता मिलने की संभावना बहुत कम है, केवल दूर से बवंडर देखना काफी नहीं है। हम वो डेटा पाने की कोशिश कर रहे हैं जो किसी और को नहीं मिल पा रहा है। यार ये तूफान कमाल का लग रहा है। हमें इस प्रोब को एक हिलते घूमते चलते फिरते लक्ष्य के सामने रखना होगा और हमारे उसमें फंसने से पहले हमें वहां से निकलना होगा। चलो रोक कर देखते हैं। हर किसी का एक अनूठा प्राकृतिक हुनर होता है और मुझे लगता है कि मेरा इकलौता हुनर है तूफानों के पीछे भागना। ओ, वहां घुमाओ तो देखो, पूरा चक्कर लगा रहा है बहुत जोर से। मैं इन सुपरसेल तूफानों को एक जीते जागते जीव की तरह मानता हूं। इनका एक व्यक्तित्व होता है। मुझे तो सुनाई देता है कि सुपरसेल क्या सोच रहा है, क्या वो बवंडर बनने वाला है या नहीं। मुझे लगता है मेरा सिक्स्थ सेंस अच्छा है। ये पूरा घुमाव झुक रहा है और हमारे ऊपर आने वाला है। वो ये आ गया, हमें अभी गाड़ी में बैठना होगा। राष्ट्रीय मौसम सेवा ने बवंडर की चेतावनी जारी की है। राष्ट्रीय मौसम सेवा डॉपलर रडार पर एक बवंडर जमीन को छूता दिखाई दे रहा है। बहुत पास था। जान और माल की हानि हो सकती है। एक मजबूत इमारत के सबसे निचले माले के किसी अंदर के कमरे में छुप जाएं। हेलो, तुमको आवाज आ रही है मेरी? कुछ साफ सुनाई नहीं दे रहा। मुझे तूफान मिल गया है जिसने बवंडर बनाया है। मुझे लगता है तुम्हें यहाँ आना चाहिए यार। ठीक है, मैं आता हूँ तुम्हारी तरफ। रीड जरा उत्तर की तरफ है तो हम वहां पर पहुंचने की पूरी कोशिश करेंगे। क्या मुसीबत है, देखो पुल के नीचे सारे लोग ओलों से बचने के लिए छिपे हुए हैं। जब भी बवंडर के पीछे जाते हैं तो ये देखने को मिलता ही है, लेकिन ये करना सबसे गलत है क्योंकि इससे सड़कें जाम हो जाती हैं और आने वाली गाड़ियां फिसलकर इनसे टक्कर खा सकती हैं। ऐसा लग रहा जैसे कंचों पर गाड़ी चला रहा हूं। भले ही मुझे वहां पर पहुंचने की जल्दी है पर मुझे धीरे ही चलना होगा क्योंकि मैं फिसलना नहीं चाहता। मैं घबरा रहा हूं, घबराहट हो रही है मुझे। इस समय बवंडर हमारे साउथ ईस्ट से हमारी तरफ आ रहा है।
हमारे चारों तरफ बारिश है जिससे बवंडर जरा भी नहीं दिखाई दे रहा। सूरज ढलने वाला है तो ना केवल ये बवंडर बारिश में लिपटे हुए हैं लेकिन ये रात में आ रहे हैं और ये स्थिति काफी खतरनाक है। ये बारिश में से निकलकर हम पर हमला कर सकता है, ये बात ध्यान में रखनी होगी। दाईं ओर वो लपटे दिख रही हैं। सब गड़बड़ हो रहा है, यहां जान को खतरा है। मुझे उम्मीद है कि हर कोई सुरक्षित जगह पर है। ये देखना दिलचस्प होगा कि हमारी वैन इसे झेल पाती है या नहीं। वो कहां है? मुझे दिख गया बवंडर, हमसे बस 2 या 3 किलोमीटर की दूरी पर है। साउथ ईस्ट में घुमाव के चारों तरफ ओले लिपटे हुए हैं। आ जाओ मेरे पास, हमें उत्तर में चलते रहना होगा क्योंकि ये धीरे धीरे सड़क की तरफ जा रहा है। इसे इंस्टॉल करने की जगह ढूंढ रहा हूँ क्योंकि बवंडर के अंदर इसे लगाना होता है तभी काम बनता है। वो रहा, फनल घूम रही है। अरे हमारी तरफ साउथ ईस्ट में जोरदार घुमाव आ रहा है और ये वापस सड़क की तरफ आ रहा है। हम इसे पकड़ सकते हैं। बच गई। हम ठीक इसके रास्ते में हैं। ठीक है, अब इंस्टॉल करना होगा। हो गया। पानी की आवाज सुनाई दे रही है। ये पास आ रहा है। ठीक है, हमारा डेटा रिकॉर्ड होना शुरू हो गया है। ये आ गया। तुरंत गाड़ी में चलो। घुमाव ठीक हमारे ऊपर है। देखो, लगता है हम बवंडर के अंदर हैं। कंकर पत्थर से हम पर हमला हो रहा है। हम पर ओले गिर रहे हैं। लोग, हमारी वैन पलटने वाली है दोस्तों। यार, तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। ओ ये जबरदस्त आंधी है यार। लोग, बाहर सब कुछ सफेद है, ये चीज बहुत ही बड़ी हो रही है। गाड़ी के दाईं तरफ देखिए। लगता है घुमाव हमें छूकर निकल गया है, पूर्व की तरफ चला गया। हमने अभी अभी एक बवंडर को इंटरसेप्ट किया है। यकीन नहीं होता कि इतनी तेज आंधी आई थी। हमारी वैन लगभग पलट ही गई थी और हमारा प्रोब उस दबाव के डेटा को रिकॉर्ड कर रहा था, हर तरह के डेटा को रिकॉर्ड कर रहा था। ये मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन है। हेलो, ए तुम सुन रहे हो? हाँ हाँ सुन रहा हूँ, मैं तुम्हें ही फोन लगा रहा था। मैंने अभी अभी एक बवंडर को इंटरसेप्ट किया, उसमें 130 से 160 किलोमीटर पर आवर की आंधी चल रही थी। पागलपन था यार, मिलके सब बताऊंगा। ठीक है। ये तो कमाल ही हो गया। मुझे जलन हो रही है, मुझे यकीन नहीं होता कि उसने ये कर दिया। मुझे वाकई उसकी सुरक्षा की फिक्र हो रही थी, लेकिन रीड ऐसा ही करता है। मतलब रीड वाकई में पागल है।
इसी पागलपन के कारण वो बवंडर के इतना करीब जा पाता है। प्रोब अभी भी यहीं पर है। हमें डेटा लॉगर को चेक करना होगा, देखना होगा कि कितनी तेज आंधी थी, दबाव कितना कम हुआ था, और वो बहुत तेज था, लेकिन हमें डेटा मिल गया, बस वही मायने रखता है। टेक्स्ट बुक प्रूव डिप्लॉयमेंट। देखो तो कौन आया है। ये तो हब है। हमारे बवंडर प्रोब के साथ सैंपलिंग में हमें बहुत सफलता मिली है। बवंडर के अंदर होने वाले प्रेशर शिफ्ट का डेटा मिलना बहुत कम हो पाता है। वो क्या बढ़िया प्रोब है यार, हमने कर दिखाया। इस सबूत को मीटियोरोलॉजिकल कम्युनिटी के साथ साझा करके शायद हम बदलते हुए वातावरण के कुछ रहस्य सुलझा पाए। यस। मैंने अपने 20 सालों में बवंडर का इतना अजीब मौसम कभी नहीं देखा था। यहाँ हाई प्लेन्स में बवंडर मौसम पर असर डाल रहे हैं। ऐसे बवंडर जिनका पूर्वानुमान मुश्किल हो रहा है और एक ओवरऑल शिफ्ट जिसे ट्रेडिशनल टोर्नेडो एली कहा जाता है। ये बात भी साफ है कि वातावरण में ऐसा बदलाव होने का मतलब है कि कुछ बड़ा होने वाला है। इस नए बदलते वातावरण में हम देख रहे हैं कि कैटेगरी 6 स्टॉर्म और दूसरे बड़े तबाही मचाने वाले तूफान आ रहे हैं, और इतने सारे तूफानों के चलते हम हर तूफान पर आपको मिलेंगे।